पंजाब में थोड़ी ही देर में भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खड़खड़ कला में आयोजित किया गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो पंजाब में आज जुगनू की चमक, जुगनू उनका पेट नेम, और आज शपथ लेंगे खड़खड़ कला। ये वो गांव है जहां शहीद आजम भगत सिंह रहा करते थे, उनका पैतृक गांव ये। और शपथ ग्रहण में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स नजर आने वाले हैं। आमंत्रित कईयों को किया गया है, जो बड़े बड़े लीडर्स पंजाब के उनको भी निमंत्रित किया गया है, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ममता बैनर्जी से लेकर कई बड़े लीडर्स को बताया जा रहा है कि बुलाया जरूर गया, लेकिन क्या वो आएंगे ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन अभी पंजाब की जनता को, पंजाब की करोड़ों जनता को आने का आह्वान किया गया था भगवंत मान की तरफ से, और बड़ी भीड़ उस प्रांगण में नजर आ रही है जहां पर शपथ ग्रहण होना है शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह तो पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। 92 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मान पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शहीद भगत सिंह के गांव खटकल कला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में कई विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और थोड़ी ही देर पहले गवर्नर शामिल हुए हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, गवर्नर भी वहां पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर पहले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी पहुंच गए हैं। ना केवल एज एन आर्टिस्ट उन्हें अपनी पहचान बनाई, सगों उन्हें एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी अपनी पहचान बनाई। तो देखिए तस्वीरें लगातार आनी शुरू हो गई हैं, राज्यपाल भी पहुंच गए हैं, शपथ वो दिलाएंगे भगवंत मान को अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 12:30 बजे ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, हमारे साथ जगविंदर सिंह सेखों जी जुड़ गए हैं, और जो कि पंजाब मामलों के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ अहबाब सिंह ग्रेवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। साथ ही साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, भावना किशोर हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, और पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ, और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, सबसे पहले आपका रुख, किस तरह की तस्वीरें, चूंकि ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ना अकाली है ना कांग्रेस है, इस बार तो आम आदमी पार्टी है। पूजा, लगता है तक आवाज नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर वो है वहां पर गाड़ियां हैं। भावना किशोर का रुख करते हैं, वो बिल्कुल मंच के बेहद नजदीक हैं। भावना, क्या तैयारियां हैं, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के कौन कौन से लीडर्स पहुंच गए हैं और विपक्ष के कौन कौन पहुंचे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते और बताते चलते हैं कि आप इस वक्त देखिए ये पंडाल के अंदर की तस्वीरें हैं। करीब 50,000 जो सीट्स लगाए गए थे पूरे भर चुके हैं, वहीं 3 से 4 लाख लोग की जो आने की बात है वो कही जा रही है। और आप देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी इस वक्त आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और साथ ही साथ जो खास बात ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने लोगों को इन्वाइट करके ये कहा था कि आप जिस दिन शपथ है उस दिन पीली पगड़ी में आए और महिलाएं पीले दुपट्टे में आए, तो आपको देखिए राजीव जहां तक आपकी नजरें जाएंगी जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जिन्होंने उनको ये मौका दिया है, जो एक मौके की बात हो रही थी, तो पंजाब की जनता को इस वक्त आप साफ देख सकते हैं कि पीले पग में आपको नजर आ रहे होंगे। तो साफ तौर पर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कुछ ही देर में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, और एक बार हम कोशिश करते हैं कि आपको स्टेज की हम तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त जो स्टेज है वो पूरी तरीके से सज के तैयार हो चुका है, फूलों से ये पूरा स्टेज सजा हुआ है। वहीं एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का कैबिनेट है जैसे मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत, वो सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हो कि धीरे धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं 116 विधायक है वो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पीले पगड़ी में वो आपको नजर आ जाएंगी, और जो महिला विधायक है वो पीले दुपट्टे में, और साथ ही बीच का जो जगह है जहां पर आज गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो है वो भगवंत मान को शपथ दिलाएंगे, ये स्टेज पूरी तरीके से सज के तैयार है। तो इस वक्त भारी भीड़ जो है वो पंडाल में राजीव देखने को मिल रही है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आज पंजाब में बन जाएगी, भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि ईमानदार सरकार देंगे, एक अच्छी कैबिनेट देंगे,
भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, वह वक्त बताएगा कि किस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त भव्य आयोजन आज किया गया है और साथ ही सभी जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और दिल्ली से जो कैबिनेट है, जो सात कैबिनेट पूरी टीम है वो भी पहुंच रही है कुछ ही देर में। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचेंगे। भगवंत मान भी देखिए 12:30 का वक्त है, 12:10 में सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों की इस वक्त भीड़ है वो दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं और लोग इस वक्त कितने ज्यादा उत्साहित है और साथ ही साथ लोगों को बड़ी उम्मीदें भी हैं कि सरकार बनने के बाद जो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। फिलहाल हम आपको भव्य तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग पीली पगड़ी में, महिलाएं पीले दुपट्टे में इस वक्त पहुंची हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने कहा था कि आज ना ही केवल भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इस वक्त पूरा पंजाब जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। तो राजीव एक बहुत भावना ऐसा लगता है कि पूरा पंजाब वहां पर उमड़ आया है। आप कैमरे की रेंज जहां तक है वहां तक सिर्फ पीली वो जो पगड़ी है, बसंती पगड़ी है, वो नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी हैं, शिवांग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आप किस जगह पर हैं, वहां से आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की? देखिए मैं वीवीआईपी गेट से करीब आधा किलोमीटर दूर हूं। यहां पर जो है काफी सैलाब है, दोनों तरफ में आपको गाड़ियां खूब हैं और लोग भी खूब हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो सिर्फ ठीक है। अमित मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट जहां पर होगी वहां पर देखिए कितनी भीड़ है वहां पर, और पुलिसिया जो बंदोबस्त है वो भी बहुत ज्यादा है। जल्दी से शिवांग का रुख करते हैं और उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। शिवांग, आप एग्जैक्टली किस जगह पर हैं और वहां से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? शिवांग मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मेरा रंग दे बसंती चोला और आज बसंती रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। नेता भी आम आदमी पार्टी के और आम आदमी भी तो जनता है वो भी कुछ इसी रंग में नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि पूरी पंजाब की जनता को आमंत्रित किया है भगवंत मान ने, अरविंद केजरीवाल ने, कि आप आइए। क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो भी जारी किया, कहा कि सिर्फ मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, आज एक हर एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है और सब मिलकर काम करेंगे। पूजा मकड़ हमारे साथ जुड़ गए। पूजा, अगर अभी मेरी आवाज आपको मिल रही है तो क्या मूवमेंट आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आज से पहले आपने इतने सारे मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण देखा है, इससे पहले ऐसा कभी देखा? बिल्कुल राजीव, ये जो शपथ ग्रहण है बिल्कुल अलग है। जैसे अभी आपको अमित ने तस्वीर दिखाई वीवीआईपी गेट की, मैं आपको आम आदमी की तस्वीर दिखाती हूँ। ये जनरल पार्किंग है और ये पार्किंग वेन्यू से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लोगों का पैदल चल के आने और जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अलग अलग गाँव से, शहरों से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खटखड़ कला के लोग हैं यहाँ, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ से लोग आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हिस्सा लें। यहाँ पर एक और शख्स आपको दिख रहे हैं पीली पगड़ी में। आप कहाँ से आए हैं जी? जहाँ से नवा शहर से, नवा शहर से आए हैं, पहुँच पाएंगे आप वहाँ तक? देखते हैं जाके। बहुत सारे लोग बहुत पैदल चल रहे हैं। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये पिछला हिस्सा है पंडाल का, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सब तरफ से गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर, जिसको जो समझ में आ रहा है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। उसके बाद एक लंबा सफर है जिसे पार करते हुए लोगों को जाना है, चाहे सिक्योरिटी हो या फिर बहुत सारा पैदल चलने का सफर पूरा करना हो, क्योंकि इसके बाद ना तो नेटवर्क मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद कोई तरीका भी नहीं है कि वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये जो पार्किंग इस वक्त आपको नजर आ रही है, ऐसी तकरीबन 15 पार्किंग बनी हुई हैं और आप ये लगा लीजिए अंदाजा कि आम आदमी पार्टी का कहना था 4-5 लाख लोग जुटेंगे, उतने लोग तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वेन्यू तक पहुंचने की कवायद में है। इस वक्त हम एक खेत में मौजूद है जिसे पार्किंग में तब्दील किया गया। आप देखिए पसीने आ चुके हैं पैदल चलते हुए, कहाँ से चलते चले आ रहे हैं? अच्छा, वहाँ से आए? बहुत ज्यादा, मैंने भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा। दुनिया इतनी खुश है भगवंत मान से, बस देखने रूह कर दिया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रोपड़ से। रोपड़ से चल के आए हैं यहाँ पर, कहाँ तक पहुँच पाए और कहाँ से पैदल गए फिर? यहाँ से 3 किलोमीटर आई। 3 किलोमीटर? हाँ जी। तो देखिए ये खुद राजीव ये बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, इनके चेहरे पे पसीना है लेकिन खुशी भी है, भगवंत मान के सीएम बनने की खुशी आपको है? हाँ जी, हाँ जी मैडम, बहुत खुशी है जी।
क्या उम्मीदें हैं अपने सीएम से? अरे मैडम उम्मीदें तो बहुत है, जितनी अपने परिवार से है उतनी उम्मीदें उनसे हमें। देखिए राजीव जो ये कह रहे हैं, जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था भगवंत मान सीएम बने हैं तो हमें लग रहा है जैसे हम सीएम बन गए हैं। कुछ इस तरह की खुशी है पंजाब के लोगों में और शायद वो वही वजह रही कि 92 सीटों के बंपर बहुमत के साथ आज पंजाब को नया सीएम मिल रहा है। बिल्कुल पूजा, नजर बनाए रखें आप इस वक्त हमारे साथ, अहबाब सिंह ग्रेवाल जी जुड़े हैं, वे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अहबाब जी, तस्वीरें हमने दिखा दी हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ आम जनता वहां पर नजर आती है, उम्मीदें आपसे बहुत हैं और ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी, सब लोग पहुंचे वहां पर इसलिए हैं क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षाएं, तो फ्री मॉडल से कैसे अपेक्षाएं पूरी करेंगे आप? राजीव जी, पहली बात तो ये अप्रत्याशित है और मैं सुन रहा था लोगों के कमेंट्स, जिस प्रकार की उम्मीदें लोगों को आम आदमी पार्टी से है, हम ये वादा पंजाबियों को करते हैं कि पहले दिन से मान साहब और सारी की सारी पार्टी जुट जाएगी, दिन रात एक कर देगी और हम अपील करते हैं पंजाबियों से कि अब साथ दें, हर एक पंजाबी साथ दे, पार्टी दिखाएगी कि यहाँ से हमने अपनी अपने प्रांत को आगे लेके जाना है। और मुझे पता है कि हमारे 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 पास हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो वो चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। पंजाबी का मुहावरा है नीता ना मुरादा, अगर हमारी नीयत साफ होगी तो मुरादें भी पूरे होंगी। और मैं और ये इसलिए भी जरूरी है कि पहली बारी इस देश में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की सोच को नमन किया जा रहा है और जिस प्रकार का हिंदुस्तान वो बनाना चाहते थे उसकी तरफ हम पहले कदम ले रहे हैं। तो ये सारे ना सिर्फ पंजाब के लिए बट सारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन सिद्ध होगा। अच्छी बात है सर कि आप कह रहे हैं कि नीयत साफ है, लेकिन इस बीच में जब दर्शकों को अपडेट्स दे दें कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें वहां से आ रही है, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे और उन्होंने भी अभी बसंती चोला पहना हुआ है, वो भी पहुंच गए, इंतजार हो रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, संस्थापक अरविंद केजरीवाल का। उप मुख्यमंत्री अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं, राज्यपाल वहां पर पहुंच गए हैं और भगवंत मान का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहबाब जी, नीयत साफ ठीक है लेकिन पंजाब जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, आप उसको पहले तो उबारेंगे कैसे? कर्ज में डूबा है, आपको उसको उबारना भी है, आपको महिलाओं को हजार हजार रुपए भी देने हैं, आपको बिजली पानी फ्री भी देना है, इतना सब कैसे कर लेंगे, दोनों चीजें कैसे कैसे करेंगे आप? राजीव जी देखिए, हमने जब वादे किए थे तो हमने सोच समझ के किए थे, हमने एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट बना रखा है पंजाब में जिस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो प्राइवेट प्लेयर्स की जेबों में जा रहे थे पैसे। और पंजाब रिच स्टेट है लेकिन पंजाब को पुअर बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि पंजाब में जो रूलिंग एलीट थी वो रूलिंग एलीट अपनी जेबें भरने में ज्यादा बिजी थी। और यहाँ पे कॉरपोरेशन बनेंगी, रेते की कॉरपोरेशन, लिकर की कॉरपोरेशन, पंजाब में फाइनेंशियल रिकवरी के लिए जो डेट जीडीपी रेशियो है वो सब स्टेट्स की होती है, वो इंडिया की भी है, एज अ नेशन भी है, लेकिन उस पर एकदम से लगाम लगाया जाएगा, कर्जे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और आमदन जो है सर उसमें चाहे एग्रो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म हो, हमारा एक एक सेक्टर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है और जैसे ही वो ब्लूप्रिंट लागू होगा रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पैसे देने की बात है महिलाओं को या बिजली सस्ती करने की, ये लोगों का हक है, ये एक वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी बनती है। और दिल्ली में हमने अपना 8 साल में 40,000 करोड़ बजट बढ़ाया है, तो पंजाब को रेवेन्यू सरप्लस बनाना हमारी ड्यूटी भी है और नेसेसिटी भी है और हम वो ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि मुश्किलें आएंगी और कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन जब साफ नीयत से कोई काम किया जाता है तो सब स्टार्स अलाइन हो जाते हैं और मदद करते हैं, तो ये मुझे यकीन है कि ईमानदारी रंग लाके ही दिखाई। ठीक है, आप कह रहे हैं गलतियां भी होंगी, मुश्किलें भी आ सकती हैं, मैं आपके पास लौट रहा हूं, जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए, पंजाब में भगवंत मान, साल 1973 में संगरूर जिले के सतोज गांव में उनका जन्म हुआ और अब आज आप तस्वीरें देखिए कि भगवंत मान मंच पर मौजूद होंगे और मंच पर भगवंत मान कब पहुंचेंगे, सबकी निगाहें इस ओर है कि कब भगवंत मान पहुंचेंगे और वो शपथ लेंगे। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित आप जो है वीवीआईपी गेट के बिल्कुल पास से, अभी वहां पर किस तरह की मूवमेंट है, आपसे कितनी देर बाद भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री और किस तरह की वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर? बस कुछ ही देर में सभी लोग मिलेंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि कैसे भीड़ यहां पर लगी हुई है और ये आपको मैं वीवीआईपी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी आप देखें अभी कितना ज्यादा रश है, कुछ लोगों के पास पासिस नहीं है, उनको वापस यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है। और ये एक हाईवे है जहाँ से ये जो पूरा हाईवे जो है
वो अमृतसर तक जाता है। ये वो हाईवे है, इसको आज थोड़ा डाइवर्ट किया गया है और यहाँ हाईवे नहीं रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा फंक्शन है इसलिए हाईवे थोड़ा रोक लिया गया है और लोग जो जाने वाले हैं उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कहाँ से जाना, तो इसीलिए यहाँ भीड़ भी ज़्यादा बढ़ गई है। और सामने जो गेट है वो वीवीआईपी, संजय सिंह थोड़ी देर पहले वहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं। और ये आप देखिए, बिना पास के यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, ये बिना पास, ये पिंक कलर का जो पास है, ये गुलाबी रंग का जो पास है, इसी से गाड़ी अंदर जा सकती है। और यहाँ का हाईवे जो है वो डाइवर्ट किया गया है, हालांकि पूरी जानकारी लोगों तक नहीं थी, तो इस तरफ वो आ रहे हैं जैसे आप देखें। और ये यहाँ पर देखें कि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अब ये अलग अलग जगह से ये लोग कहीं जा रहे थे और वहाँ पर इनको अभी रोका गया और पार्किंग की तरह डाइवर्ट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग के पास वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं। और ये आप देखिए, हुजूम देखिए लोगों का, अभी भी थम नहीं रहा है। और ये ही जरूरत थी आम आदमी पार्टी में, खास लोगों को बुलाने की नहीं, इन्हीं लोगों को बुलाने की, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, आम पार्टी है, तो ये आम लोगों की आम। अमित, लगता है बार बार चूंकि कुछ समस्याएं टेक्निकल आ रहे हैं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपने तस्वीरें दिखाई, आपने बताया कि गुलाबी पास की आवश्यकता है, तो भी प्रतो ही प्रवेश वहां से मिल रहा है। हलचल बहुत ज्यादा है, चंद मिनटों में वहां पर पहुंचने वाले हैं तमाम बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से बड़े चेहरे और पंजाब के भी बड़े चेहरे। भगवंत मान, दिल्ली के कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स आपको मंच पर नजर भी आ रहे होंगे और हर तरफ ये जो बसंती चोला पहने हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये गांव है शहीद आजम भगत सिंह का, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, आज उनकी धरती पर भगवंत मान ने फैसला लिया कि मैं वहीं पर शपथ ग्रहण करूंगा। और जी न्यूज की बड़ी कवरेज, एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले, हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भावना, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पर कौन कौन बैठ गया है और कितना इंतजार है, भगवंत मान कब तक पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल कब तक पहुंच सकते हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये प्रांगण है, ये वो मंच है जहां पर, ये मंच के बिल्कुल सामने वाला जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लोग हैं, सिर्फ आम आदमी। चाहते हैं कि ये जो नई सरकार, आप पार्टी की सरकार जो बनी है आम आदमी की, और उसमें लगते भी हैं कि सारे आम आदमी हैं, और उनकी जो नीयत है, तबीयत है, जो उनकी सोच है, जो विचार है, वो बड़े खास हैं। पार्टी आम है लेकिन विचार खास हैं। और परमात्मा करे, उनके लिए दुआ है कि रब उनको शक्ति दे, समर्था दे, तौफीक दे कि पंजाब खुशहाल हो, पंजाब में एक का इत्फाक हो, सुख शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, जात पात वहम भरम कर्म से दूर निकल के कोई अच्छी बातें हो और एक का एक जो खलूस पैदा हो, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो, बस यही चाहते हैं हम। ये पंजाब को खुशहाल देखना चाहते हैं। पंजाब के शान गुरदास मान, उन्होंने कहा कि ये पार्टी आम है लेकिन इनके विचार खास हैं। भावना किशोर का एक बार रुख करते हैं। भावना, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मंच पर कौन कौन पहुंच गया है? बिल्कुल राजीव, आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं मंच की, देखिए कुछ ही देर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देखिए जो विधायक है 116 वो पहुंच चुके हैं, वो स्टेज पर बैठ भी चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आगे हरपाल सिंह जी आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो चरणजीत सिंह हो या फिर गुरमीत सिंह खुड़िया हो, सभी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में जो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, और साथ ही आज भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं स्टेज पर। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए सत्येंद्र जैन आपको नजर आ जाएंगे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गोपाल जी आपको नजर आ जाएंगे, साथ ही आप देखिए कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया भी आने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पूरा परिवार इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में आ रहा है, तो कुछ ही देर में जो भगवंत मान है जो आज मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे वो इस वक्त पहुंच जाएंगे। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त, लोग पीली पगड़ी और जो महिलाएं हैं खास तौर पर वो पीले दुपट्टे में आई है, तो कुछ वक्त का इंतजार है। 12:30 बजे का वक्त है बताया जा रहा है जब सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान।
वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो चप्पे चप्पे भी पुलिस का पहरा है और इतनी ज्यादा इस वक्त भीड़ है, लोग उनके चाहने वाले जो उनके समर्थक है दूर दूर से आए हैं, क्योंकि पंजाब की जनता आज अपने सबसे चाहने वाले मुख्यमंत्री पद के शपथ जो आज भगवंत मान लेंगे उसमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको मंच की दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है और तीन मंच तैयार किए गए हैं, तीन स्टेज तैयार किए हैं। बीच में जो गवर्नर है वो आज भगवंत मान को शपथ दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि विधायक जो है वो सारे पहुंच चुके हैं, सभी आपको पीले पगड़ी में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ का स्टेज बनाया गया है उसमें दिल्ली के जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन है और भी बाकायदा आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया भी है, कैलाश गहलोत भी है। तो धीरे धीरे जो है सभी के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऐसे गीत वहां पर बज रहे हैं कि वहां पर जो कुछ लोग मौजूद हैं वो थिरक में रहे, लेकिन इस बीच में कुछ तस्वीरें आप देखिए, आप तस्वीरों को देखिए। ये बॉबी देओल हैं और वो देखिए वो भी पगड़ी पहने हुए हैं, मुस्कुराते हुए वो भी नजर आ रहे हैं, संभवतः वो भी शायद पहुंचे। लेकिन और भगवंत मान वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए, अब तो खैर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 92 सीट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। भावना आप तो 5 मिनट से भी कम, 5 मिनट से थोड़ा सा ही ज्यादा कह सकते हैं वक्त बचा है, तो और कितना क्या लंबा चल सकता है, 12:30 से वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट 12:30 शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण। भावना मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता भावना तक आवाज नहीं पहुंची, चूंकि वहां पर म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है और चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, भगवंत मान भी पूरी तरह से तैयार और चंद मिनटों में वो भी पहुंच जाएंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ अहबाब सिंह ग्रेवाल जी भी जुड़े हुए हैं। अहबाब सिंह ग्रेवाल जी, एक आरोप ये लग रहा है कि पार्टी आम है और सादगी की बात करते हैं लेकिन कार्यक्रम तो भव्य है और करोड़ों का खर्चा। ग्रेवाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है जी। हेलो जी ग्रेवाल जी, देखिए मुझे पता था ये सवाल आएगा। देखिए, क्योंकि पंजाब के लोगों ने इतने भारी बहुमत से हमने चुना था, तो हमने ये ठान रखी थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम उन लोगों को बीच में शामिल करेंगे, और अब अगर लोगों को शामिल करना है तो उनके लिए इंतजाम भी करना होगा। और ये तो नहीं है कि हम किसी नाजायज चीज पे खर्च रहे हैं, हम लोगों की सरकार की सेलिब्रेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये वन ऑफ चीज है। लेकिन ये एक मैसेज है जो पंजाब के लोगों ने देश के लोगों को दिया है, और पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने के लिए इतना प्रोग्राम तो करना बनता है सर। और जो भी सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो, सब लोग इस सेरेमनी का आनंद उठा सके, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अगर एक वन ऑफ चीज हमने की है तो वो लोगों की खुशी के लिए की है, क्योंकि बाकी सब काम में तो ऑस्टेरिटी ही इस्तेमाल होगी, बाकी हर जगह पे पाई पाई बचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक दिन जब शहीदों को नमन करना है उस दिन मेरे को लगता है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भावना इस वक्त हमारे साथ हैं। भावना, मैं समझ सकता हूं कि वहां पर म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है, हो सकता है मेरा सवाल भी आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप तस्वीरें दिखाएं कौन कौन वहां पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल राजीव, इस वक्त सभी लोग जो हैं वो पहुंच चुके, बस इंतजार है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान और गवर्नर भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। देखिए थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है क्योंकि 12:30 बजे का वक्त था और हम देख रहे हैं 12:27 हो गए, यानी 5 से 10 मिनट में ही सभी लोग जो हैं वो इस वक्त मंच पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि जितने भी विधायक हैं, जो विधायक हैं इस वक्त पंजाब में, वो सभी लोग पहुँच चुके हैं, सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं और जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं पीली पगड़ी में पहुँचे हुए हैं और महिलाएँ जो हैं, जो महिला विधायक हैं वो पीले सूट पे या पीले दुपट्टे पे पहुंची हुई है और इंतजार बस है आज भगवंत मान का जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का जो कैबिनेट है जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ देखिए वो लोग बैठे हुए भी, अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार, उनके माता जी, पिताजी, उनके दोनों बच्चे भी पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। तो यानी कुछ क्षण का इंतजार है और पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। देखिए लोगों ने पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत मान को पसंद किया था और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है राजीव, ना ही केवल सीट बल्कि बड़े बड़े जो चेहरे थे, प्रतिष्ठित चेहरे जो राजनीति में काफ़ी दिग्गज माने जाते थे, चाहे वो अकाली में से हो या फिर कांग्रेस के हों, सबको पछाड़ के आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और आज शहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कला में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। इसके पहले अमृतसर में जो रैली निकाली गई थी, भव्य रैली थी वो भी, जिसमें धन्यवाद पंजाब कहते हुए ये पूरा रोड शो हुआ था, लोगों का धन्यवाद किया था और आज भी जो लोग हैं वो इनवाइट किए गए हैं। खास तौर पे अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए शपथ ग्रहण में और खास तौर पे पीले पगड़ी में आइए और महिलाएं जो है पीले दुपट्टे में आइए। इसका संदेश इसलिए है कि जिस तरह से आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही शहीद भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके दिए गए सिद्धांतों और संदेशों पे चलने वाली पार्टी है, लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसी तरह से इसीलिए वो पीली पगड़ी पहनते हैं भगवंत मान। और आज भी लोगों से कहा गया कि आप पीली पगड़ी में ही आए और हम तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे थे कि इस वक्त 2 से 3 लाख तक जो लोग हैं पंजाब की जनता वो इस वक्त पहुंची है और दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जा रही थी वहां पे आपको पीले पगड़ी में ही लोग नजर आ रहे थे और महिलाएं पीले दुपट्टे में, यहां तक कि राजीव जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पीली पगड़ी में आए हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल भावना वो नजर भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है कि क्या मास अपील है, मतलब एक उन्होंने आह्वान किया और लोग बिल्कुल वही करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।